हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 10.2 पे हैं और यहाँ कह रहा है कि इन एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव द फॉलोइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। 12 नंबर में प्रूव करना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4bc इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो चलिए हम लोग इसका RHS वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4bc कॉस स्क्वायर ए बाई 2। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है देते हैं, बी माइनस सी, बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2bc यहाँ लिखते हैं और एक 2 जो होगा यहाँ इंटू में लेते हैं इसके साथ कॉस स्क्वायर ए बाई 2। देखिए ये 2 जा 4 फिर वही ना आ जाएगा, तो हमने 2 इंटू 2 कर लिया 4 को। अब इसके बाद देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2bc और 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस का कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसी के अकॉर्डिंग हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस का 2bc और माइनस का 2bc कॉस ए, ये इससे यहाँ कट जाएगा, बच जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर के, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस ए इक्वल टू में होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाई में 2bc। तो ये इससे आके मल्टीप्लाई हुआ, ए स्क्वायर इधर आया, ये उधर गया, तो ये इसी फॉर्म में ना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। चलिए तो यही ना हमें प्रूव करना था, हमारा LHS आ गया। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 नंबर में प्रूव करना है कि 4 इंटू bc कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस ca कॉस स्क्वायर b बाई 2 प्लस ab कॉस स्क्वायर c बाई 2 इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं, 4 इंटू में bc कॉस स्क्वायर a बाई 2, ठीक है, और प्लस का सी ए कॉस स्क्वायर बी बाई 2 प्लस का ए बी कॉस स्क्वायर सी बाई 2। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ये लिखते हैं 2bc इंटू में 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ये फोर्सेस में मल्टीप्लाई किए और दो पार्ट में कर लिए, 2 इसके साथ 2 इसके साथ लगे। फिर उसी तरह से यहाँ पे 2ca इंटू में 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, कॉस स्क्वायर बी बाई 2 है ना, यहाँ बी है कॉस स्क्वायर बी बाई 2 प्लस 2ab 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 2bc, हम लोग इसकी जगह पे फॉर्म लगा सकते हैं 1 प्लस का कॉस ए 2ca, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का कॉस बी और यहाँ 2ab हो जाएगा 1 प्लस का कॉस सी। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2bc प्लस का 2bc कॉस ए 2ca प्लस का 2ca कॉस बी 2ab प्लस का 2ab कॉस सी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2bc और प्लस 2bc कॉस ए की जगह पे क्या आ जाएगा, तो हम लोग पढ़े हुए फॉर्मूला मैं आपको लिख के यहाँ दिखा देता हूँ कि कॉस ए इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और बाई में 2bc। या किधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2bc cos a इक्वल टू में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम लोग इसके जगह रखते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2ca, इसके जगह पे हो जाएगा 2ca cos b के जगह पे हो जाएगा आपका यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab ये वाला, फिर इसकी जगह पे आ जाएगा उसी तरह, इसी की तरह फॉर्मूला आ जाएगा आपका किसका, यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर,
देखिए यहाँ एक सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। अब जो बच गया ऊपर आप देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca, यही ना बचा हुआ है जी। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपका आ गया हमारा आर एच, समझ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, इसे हमें प्रूव करना है। चलिए हम लोग इसका, अच्छा यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि जब ये ट्रायंगल में कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होगा 180 होगा, होगा ना जी। इसका यूज हम लगा करने वाले, इसलिए मैंने पहले इसे लिख दिया। अब इसका LHS लेते हैं, LHS है साइन क्यूब ए कॉस बी माइनस सी प्लस साइन क्यूब बी कॉस सी माइनस ए प्लस साइन क्यूब सी कॉस ए माइनस बी, ठीक है, हमें इसे ये प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं। हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लेते हैं और इनटू में एक साइन ए ले लेते हैं, फिर यहाँ पे है कॉस बी माइनस सी, फिर यहाँ पे भी साइन स्क्वायर बी इनटू में यहाँ पर ले लेते हैं साइन बी और इनटू में कॉस सी माइनस ए, फिर प्लस इस तरह से यहाँ भी साइन स्क्वायर सी इनटू में साइन सी कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर ए, देखिए यहाँ साइन ए है तो साइन ए की जगह पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग ए के प्लेस पर देखो 180 माइनस बी प्लस सी नहीं लिख सकते हैं, तो साइन 180 माइनस का बी प्लस सी और इनटू में कॉस बी माइनस सी प्लस यहाँ पे भी साइन स्क्वायर बी, यहाँ साइन बी के प्लेस पे क्या जाएगा, तो लिख सकते हैं इसे साइन 180 प्लस सॉरी माइनस सी प्लस ए, यहाँ बी के प्लेस पर क्या हो जाएगा 180 माइनस सी प्लस ए और कॉस सी माइनस ए, फिर यहाँ पे भी उसी तरह से साइन स्क्वायर सी, साइन सी के प्लेस पर हो जाएगा 180 माइनस ए प्लस बी इंटू में कॉस ए माइनस बी। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है ना, साइन थीटा ही होता है, यानी कि हो जाएगा साइन बी प्लस सी और यहाँ कॉस बी माइनस सी, ठीक है, फिर प्लस में साइन स्क्वायर बी, यहाँ जाएगा साइन सी प्लस ए इंटू में कॉस सी माइनस ए प्लस साइन स्क्वायर सी, यहाँ पे हो जाएगा ये साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी और इंटू में कॉस ए माइनस बी। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड हो गया और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए 2 साइन बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी, यहाँ पे भी उसी तरह से साइन स्क्वायर बी इंटू में 2 साइन सी प्लस ए इंटू में कॉस सी माइनस ए, फिर आगे उसी तरह से इसमें भी प्लस साइन स्क्वायर सी इंटू में 2 साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2 साइन स्क्वायर ए, हम लोग इसको चाहें इसको तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 2b प्लस साइन 2c, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अब अगर हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी वाला तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ये आ जाएगा और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यही ना आएगा जी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे साइन सी माइनस साइन डी वाला, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा के तो यही आएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी चलो साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 2c और प्लस का साइन 2a, ठीक है, फिर प्लस साइन स्क्वायर सी,
यहाँ हो जाएगा आपका क्या साइन 2a और प्लस का साइन 2b। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए 1/2 यहाँ पर है साइन स्क्वायर a, यहाँ इसका फॉर्मूला लगा देते हैं 2 साइन b कॉस b, है ना। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं जी कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो इसी को हमने यहाँ अप्लाई किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 2 साइन c कॉस c, फिर प्लस इसमें भी उसी तरह से साइन स्क्वायर b इंटू 2 साइन c कॉस c और प्लस 2 साइन a कॉस a, ठीक है। और प्लस में फिर साइन स्क्वायर सी, यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए और प्लस का 2 साइन बी कॉस बी, ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2 अब हम लोग इसमें ये मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 कॉमन कर लेंगे सब में से, यहाँ भी है यहाँ भी यहाँ भी है, तो 2 को बाहर ही निकाल देते हैं सीधे, ठीक है, 2 बाहर निकाल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ बच जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए साइन बी कॉस बी प्लस यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए साइन सी कॉस सी, फिर यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो चुका है ये कट जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर बी साइन सी कॉस सी और फिर प्लस में साइन स्क्वायर बी साइन ए कॉस ए, फिर प्लस साइन स्क्वायर सी साइन ए कॉस ए और प्लस साइन स्क्वायर सी साइन साइन बी कॉस बी। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे और इसमें से कॉमन करते हैं, इन दोनों में से कॉमन करते हैं क्योंकि दोनों में सेम कुछ दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कॉमन क्या करेंगे जी, यहाँ साइन ए और फिर साइन बी कॉमन है, देख लीजिए साइन ए और साइन बी कॉमन है, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका एक साइन ए और कॉस बी प्लस का यहाँ पर क्या बच जाएगा, आप यहाँ पे कॉस ए बचेगा और यहाँ साइन बी बचेगा। चलिए फिर प्लस देते हैं, एक काम करते हैं अब हम लोग यहाँ पर इसमें और इसमें कॉमन करते हैं इन दोनों में से, तो यहाँ पे कॉमन करते हैं हम लोग साइन ए और साइन सी, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका एक साइन ए बचेगा, साइन ए बचेगा और कॉस सी बच जाएगा प्लस में, यहाँ पर क्या बचेगा कॉस ए बचेगा और साइन सी बच जाएगा। फिर अब देखिए इसके बाद अब हमारा कौन बच गया, बी और सी वाले, ये दोनों, इन दोनों में कॉमन करते हैं, तो यहाँ साइन बी और साइन सी कॉमन करते हैं, साइन बी और साइन सी कॉमन करते हैं, तो यहाँ बच जाएगा साइन बी कॉस सी प्लस का यहाँ पर क्या बचेगा कॉस बी साइन सी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन ए साइन बी और ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, साइन ए प्लस बी का। उसी तरह से यहाँ पे भी साइन ए साइन सी और यहाँ पे साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला बन जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे भी साइन बी साइन सी और यहाँ आ जाएगा साइन बी प्लस सी का फॉर्मूला। अब इसके बाद देखिए साइन ए साइन बी हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन 180 माइनस सी प्लस साइन ए साइन सी और यहाँ पर हो जाएगा साइन 180 माइनस का बी प्लस साइन बी साइन सी और यहाँ हो जाएगा साइन 180 माइनस का ए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हो जाएगा देखिए साइन ए साइन बी और साइन 180 माइनस सी, ये क्या हो जाएगा साइन सी हो जाएगा,
प्लस यहाँ पे देखिए साइन ए साइन सी और ये क्या हो जाएगा आपका साइन बी हो जाएगा, साइन बी साइन सी और यहाँ हो जाएगा साइन ए, ये तीनों एक ही तीनों देखो सेम ही है, एक एक बार है यहाँ पे ये थ्री साइन ए साइन बी और साइन सी, ये हो जाएगा इसका आर एच एस आ गया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि इन एनी ट्रायंगल ए बी सी बी प्लस सी बाई 12 इक्वल टू सी प्लस ए बाई 13 इक्वल टू ए प्लस बी बाई 15, ये दिया हुआ है हमारे पास, तो इसके इक्वल में हम लोग के सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से b प्लस सी इक्वल टू में आ जाएगा 12 के, c प्लस a इक्वल टू में आ जाएगा 13 के और a प्लस बी इक्वल टू में आ जाएगा 15 के, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा है ना जी, ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो तीनों का सम क्या आ जाएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 20 के आ जाएगा। तो अगर देखो अगर हम फर्स्ट वाले यानी कि b प्लस सी इक्वल टू 12 को इसमें रख देंगे, यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 8 के, b का वैल्यू अगर c प्लस a का यहाँ पे 13 रख देंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 7 के और c का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सी के बोले इसको 15 इसमें रख देंगे तो 5 के हो जाएगा, ए बी और सी आ गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग इनके हेल्प से हम लोग कॉस ए कॉस बी और कॉस सी निकालते हैं, तो कॉस ए की बात करें तो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई में 2bc, तो बी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 7k का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 5k का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 8k का स्क्वायर और नीचे आपका 2bc यानी कि 2 बी के प्लेस पर 7k और सी के प्लेस पर 5k। चलिए अब इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 49k स्क्वायर प्लस का 25k स्क्वायर माइनस का 64k स्क्वायर, ठीक है, और बाई में कितना हो जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 70k स्क्वायर। तो देखिए ऊपर यहाँ पे देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं, 49 और 25 कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 74 और 74 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 64 को, तो 10k स्क्वायर बाई में 70k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर 0 से 0 यानी कि 1/7 आ जाएगा, cos a का वैल्यू 1/7, cos a का वैल्यू 1/7। एक काम देखेंगे अब, चलिए cos b की तरफ चलते हैं, cos b की बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा इसका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई में 2ca। चलिए तो सी स्क्वायर यानी कि 5k का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 7k का स्क्वायर, सॉरी ए का 8 है ना, 8k का स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर 5k का स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर यानी कि 7k का स्क्वायर और बाई में 2ca, 2 इंटू 5k और इंटू में 8k, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 25k स्क्वायर प्लस का 64k स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 49k स्क्वायर और बाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा 80k स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इन दोनों को ऐड करके इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा आपका 89 और 89 में से 49 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 89 में से 49 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा ना जी, ठीक है, 40k स्क्वायर बाई में 80k स्क्वायर यानी 1/2 आ जाएगा, 1/2 कॉस बी क्या आ गया 1/2। अच्छा अब कॉस सी की बात करते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बाई में 2ab, तो ए स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 8k का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 7k का स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 5k का स्क्वायर और बाई में 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे 8k और आपके बी के प्लेस पे 7k,
चलिए अब इसके बाद आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 64k² प्लस का 49k² माइनस का 25k² और बाई में यहाँ पर कितना हो जाएगा नीचे, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा जी यहाँ पर 112k² ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं ऊपर, देखिए इसको इसको ऐड करके इसमें से सब देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 हो जाएगा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर, 24 को इसमें ऐड कर देंगे, 24k² को ऐड कर देंगे तो 24 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 84k² हो जाएगा और बाई में 112k² समझे ना, 88 हो गया, 84 मैंने लिखी थी, 88k² बाई में 112। तो हम लोग काट सकते हैं इसे 8 से 11 टाइम्स में और इसको 14 टाइम्स, 11/14 आ गया। तो अब देखिए हमारे पास ऊपर cos a का वैल्यू कितना है, तो cos a का वैल्यू 1/7 आया था, देख लो एक बार 1/7 cos b का, तो cos b का है आपके पास, cos b का है 1/2 और cos c का है 11/14। तो अगर हम लोग इन तीनों के रेशियो की बात करेंगे है ना, तो इन तीनों का रेशियो के लिए अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वल के इस साइड में सबको इक्वल दिखाते हैं है ना, इक्वल कर देते हैं, यानी हम लोग यहाँ क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा 1/14 कॉस बी बाई, यही हम लोग ऊपर करते हैं, नीचे 7 से कर देते हैं, तो 1/14 यहाँ कॉस सी बाई 11 इधर लेके चले जाते हैं, तो ये 1/14 तीनों 1/14 के इक्वल हो गया, देयरफॉर कॉस ए बाई 2 इक्वल टू कॉस बी बाई 7 इक्वल टू कॉस सी बाई में 11, यही ना हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रवि कांत सर और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsar.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।